दोस्तों ये है टमाटर यानी कि टमाटो। तो आपने इसको जो है सलाद में और सब्जी में तो अक्सर जो है खाया ही होगा। तो आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो आज इस टमाटो को जो है हम जो है गैस पे भून के उसका जो है टेस्ट करने वाले हैं, जो भूनने के बाद जो है गर्म करने बाद जो है इसका टेस्ट कैसा आता है। तो चलिए कुछ नया करते हैं। तो लीजिए, मैंने इसको जो है टमाटर को जो है इस स्टिक में जो है लोहे की स्टिक्स टाइप में जो मैंने अच्छे से सेट कर लिया, ताकि इसको हम जो है आपका गैस स्टोव होता है उसके ऊपर जो है उसको भून सके। तो लीजिए दोस्तों, अब इसको जो है गैस स्टोव पे जो है इसको सीम पे जो है अच्छे से भून लेते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा लगा। देखिए ये यहाँ से जो है फट भी गया है। तो जो है आपका जो टोमेटो है अच्छे से देखिए, इसके ऊपर का जो छिलका है दोस्तों वो धीरे धीरे जो है उतर रहा है। तो ये लगभग लगभग जो है अच्छे से भून गया है। तो अब हम जो है इसका छिलका उतार के आपको दिखाते हैं और इसका टेस्ट जो है आपको बताएंगे कि किसका टेस्ट जो है कैसा है। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसको जो छील के जो इसका पापड़ जो उतार लिया है, और अब हम इसके अपने स्वाद के अनुसार हल्का सा इसमें जो है साल्ट डाल देते हैं और आपको टेस्ट करके बताएंगे कि जो है खाने में जो है भूनने के बाद जो टोमेटो जो है इसका टेस्ट कैसा आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने इसका स्लाइस कर लिया है, इस पे जो है साल्ट जो है वो स्प्रिंग कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको खा के बताएंगे कि जो है इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए इसको खा के बताता हूँ इसका जो टेस्ट है कैसा है। वाओ, तो दोस्तों बहुत खाने में टेस्टी है। आप भी जो है ट्राई कर सकते हैं टोमेटो को भून के उसमें नमक डाल के अपने स्वाद अनुसार। तो ये ट्राई करके जरूर बताना कि आप भी ये खाने में कैसा लगा। आप भी घर पे जो है इस तरीके से टोमेटो को भून के बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट करना कि आपने अगर ट्राई किया तो इसका टेस्ट कैसा लगा आपको।